नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जय वीडियो वोस्ट में। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले अगर वीडियो पसंद आए तो। और ऐसे ही वीडियो बार बार लेने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाइए। वैसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद ना आए तब भी बात करते हैं पिछले एपिसोड की। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि शनिदेव किस प्रकार से अपनी माता के प्रेम को याद कर रहे हैं और काकोल की माँ के वात्सल्य में डूबे हुए हैं। जिस प्रकार से काकोल की माँ उनको अपना पूर्ण वात्सल्य दे रही है, उनको अपने पुत्र के समान मान रही हैं, कहीं ना कहीं शनिदेव का भी एक कोमल हृदय जागृत हो रहा है। उनकी माता ने एक लाइन बड़ी अच्छी कही पिछले एपिसोड में कि ये महादेवी की कृपा है। तो महादेव ने कहीं ना कहीं रचना की है, नियति की है, इसीलिए ये सब हो रहा है कि उनकी माता का प्रेम उनको मिले। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से राहु जा करके मिल बैठे हैं इंद्रदेव से। अब इंद्रदेव को उन्होंने लालच दिया है उनकी सिंहासन का और पता बताने का वादा किया है शनिदेव का। ये पूरे प्रकरण के बाद शनिदेव के ऊपर क्या कोई आघात होगा, क्योंकि शनिदेव को भी इस चीज का पूर्वाभास हो रहा है। उनकी चेतना उनसे कह रही है कुछ अनिष्टकारी होने वाला है, वो माता की रक्षा के लिए तत्पर है। तो और हमारे जो इंद्रदेव है वो राहु को बनाएंगे फुल्ली देवता। ऐसा डील हुआ, सिंहासन पर बैठने के बाद तो मैं देख लूंगा क्या करना है मेरे को। फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 71 पार्ट 2। शनि, तुम अब तक अपनी पूरी नींद लेके उठे हैं। ये कितना सुंदर दिन है ना मित्र। आओ मित्र, मैं तुम्हें अपना गांव दिखाता हूँ। सुबह उठते ही काम चालू भाई। हाँ पुत्र, जाओ इसके साथ जाकर ग्राम देखाओ, अब तक मैं आराधना करती हूँ। भाई जोड़ रखा है यार, बहुत अच्छे से जोड़ रखा है। माता और पुत्र की प्रेम की गजब मिसाल। वो क्या चला है बालक और क्या चले प्रेम के नाम। मैं नहीं जाऊंगा मैया। प्रेम की डोर बंद गई। मित्र, कितना कुछ बाकी है तुम्हें दिखाना, आओ ना। चापुत, मैं आराधना करने जा रही, बताओ मैं तुम दोनों के लिए क्या मांगू। हाँ, मेरे लिए मैया भरपेट भोजन मांगना। अवश्य मांगूंगी। भीम है भाई। और पुत्र, तुम्हारे लिए क्या मांगू। ईश्वर करे संसार की हर माता चिरंजीवी रहे। अद्भुत मांगा है भाई, क्या कामना है। ये खाए कूटे जा रहे हैं। बड़ी भूल हुई कैसे, कैसे जाने दिया उस बालक को। आज तो तुम्हारी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। राहुल, इंद्रदेव। हाँ भाई, इंद्रदेव होंगे। वो बिजली की आवाज से मुझे ऐसा लगा। इनका पोस्टर तो उससे बड़ा है यार बाहुबली से। कौन है आप? मैं देवराज, मैं इंद्र, इंद्रदेव हूं। प्रभु,
प्रभु अन्य है देव, साक्षात प्रभु ने दर्शन दिए और मैं यहां तुम्हें वरदान देने आया हूं। प्रभु बिना कुछ किए प्रभु वर, प्रभु परंतु उसके लिए तुम्हें मेरा एक आदेश मानना होगा। अवश्य प्रभु। बस मुझे ये बताओ कि काकोल इस लोक में कहां रहता है। प्रभु हमने उस पर और उसके नए मित्र पर आक्रमण करने की योजना बनाई, यदि आपका आदेश हो तो हम दूर हो जाते हैं। नहीं करो, करो। कदापि नहीं करो। तुमने जो सोचा है वही कर्म करना चाहिए। मैं देव हूं परंतु अन्यों के प्रकरण में हस्तक्षेप नहीं करता। तुम्हें उस बालक को यहां नहीं लाना, किसी और को लाना होगा। प्रभु शनि वो आभास हो गया। क्या हुआ मित्र? मैया मैया किसी और को लाना होगा। क्या हुआ मैया को? मैया संकट में है काकोल। इसका नाम विकराल था ना? क्या नाम था? विराट विकराल। विकराल कहाँ है वो बालक? कौन बालक? शीघ्र चलो काकू। कहाँ है वो शनि? एक माता को खो दिया, अब आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैया। मैं पूछता हूँ कहाँ है वो शनि? ये बताओ भी तो प्राणों से जाओगे। शनि देव को ही लेना है। अब लग रहा है विकराल की मौत निश्चित। वो कहते हैं ना कि मुंह खुलवाना हो तो उंगली दबानी पड़ती है। मैया 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 यहां नहीं है काकोल, ले गया उसे विकराल। और ये सब इस शनि के कारण हुआ है। कहा था मैंने तुमसे कि ये शनि संकट लेकर आएगा हम सब पर। कितना प्रेम किया था तुम्हारी मां ने इससे, अपनी संतान समझ कर रखा, और आज इसी के कारण तुम्हारी मैया की ये दशा हुई। नहीं बाबा, शनि का इसमें कोई दोष नहीं है। चुप, ये सब इसी का दोष है, और आज इसी के कारण तुमने अपनी मैया को खो दिया। सत्य का मेरे ही कारण मैया पर ये संकट आया, और अब मुझे ही इसका निवारण करना होगा। मैया को कुछ नहीं होगा काकोल, मैं उन्हें लेकर आऊंगा। राहु इंद्र के अंदर का आक्रोश निकालना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार से बहुत दूर हूं। अब इंद्रदेव पे क्रोधित हो जाएंगे, अब देवताओं की बैंड बजाएंगे।
ये शनि अभी तक क्यों नहीं आया? कदाचित यथेष्ट मात्रा में पीड़ा मिली नहीं है अब तक मैया को, तभी शनि अभी तक यहां पहुंचा नहीं है। धीरज का फल मिलने वाला है देवराज, शनि किसी भी पल यहां आता होगा और यम भी। इनको भी पता नहीं ना ये देव है। तो अपने हीरो की पावरफुल एंट्री हो चुकी है और गुंडों की वाट लगने वाली है, या यूं कह लें कि विकराल जिनका अब स्वयं से भरोसा उठ करके चला गया है इंद्रदेव के पास, वो भरोसा भी चकनाचूर होने वाला है। और इंद्रदेव ने क्या साजिश रची है, वो यम को भी बुला रहे हैं। खुद कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करते, हम केवल ला के खड़ा कर देते हैं हाथी और हाथी को सामने। छोटा सर आपके मन में प्रतिशोध की भावना को बड़ा कर देते हैं वो और सामने समक्ष खड़े कर देते हैं। अब लोग बता, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि यम किस प्रकार से आ रहे हैं, जैसा कि हमने सुना है अभी अभी इंद्रदेव के मुख से। और शनिदेव समय प्रचंड क्रोध में आएंगे, क्योंकि माता का सवाल है और राहु की जो मनसा हमको लग रही है वो यही है कि उनके अंदर जितना भी ज्वालामुखी जो क्रोध का उनके अंदर भरा है प्रचंड, उसको एक मुख दे करके एक दिशा दे दें, दिशा दे दें। और इंद्रदेव चाह रहे हैं कि वो यम से फाइट करें और यम को खत्म कर दें, या यूं कह लें कि राहु चाहते हैं कि वो यम से भी प्रतिशोध लें, देवराज इंद्र से भी प्रतिशोध लें, इसी बहाने पूरे देवताओं से प्रतिशोध ले लें। तो क्या होगा आगे, इनमें से जो हमने चर्चा की है उनमें से कौन सा पॉइंट ठीक होता है, ये जानने के लिए हमें चलने पड़ेंगे आगे के एपिसोडों में। ये एपिसोड यहीं करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपको नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।